हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको क्लास टेंथ का बायोलॉजी का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बायोलॉजी से है। तो मैं इस बायोलॉजी के क्वेश्चन को मैं फिजिक्स का और केमिस्ट्री का आपको VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंड हो गए हैं। अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको बायोलॉजी का जीव विज्ञान का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि आप कितना क्रॉस कर सकते हैं, कितना क्रैश कर सकते हैं क्वेश्चन को और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर मिल जाए। थैंक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनने में सहायक क्या होता है? ए में है लाल रक्त कोशिका, बी में है श्वेत रक्त कोशिका, सी में है रक्त विषाणु और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर दिया है रक्त विषाणु, बिंब अणु, रक्त बिंब अणु। चलिए सेकंड क्वेश्चन, पाचन क्रिया पूर्ण होती है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है ए में अग्नाशय में, बी में बड़ी आंत में, सी में छोटी आंत में, डी में ग्रास नली में। तो पाचन क्रिया आपको आंसर देख लेते हैं, छोटी आंत में पूर्ण होती है। कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। तीन में है छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? ए में है आंतरस, बी में है अस्कस रस, एंटीक्रिक्स, सी में है जठर रस और डी में है ए एंड बी दोनों। तो चलिए आंसर लगते हैं क्या इसका आंसर है। ए डी का ए एंड बी दोनों, यानी कि आपको आंतरस और सस्कस इंटीक्रियस दोनों आंसर सही है। चार में दिया है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत हो सकते हैं? तो ए में है 28, बी में है 30, सी में है 32, डी में है 34। तो आपको तो पता ही है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। पाँच में है मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है केवल 1। तो मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या आपको क्या होती है? 2 होती है। छः में है स्वाद कलिया पाई जाती है अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, बी में है जीव की ऊपरी सतह पर, सी में है अग्न चवरणक पर और डी में है ग्रसनी के भीतरी दीवार पर। यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर क्या है? बी, जीव के ऊपरी सतह पर। सात में है अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? ए में है पायरोलिक, बी में है फुंडिक, सी में है कार्डियक, डी में है एप्लीगेटिक। तो अग्नाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं आंसर इसका, कार्डियक। आठ में है मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी, ग्रास नली, ग्रहणी, अग्नाशय। तो मुख गुहा का पिछला भाग आपको क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। नाइन में निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण हैं? ए में है स्थानांतरण, बी में है श्वसन, सी में है प्रकाश संश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो सजीव का मुख्य लक्षण क्या है? इनमें से सभी हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं, यानी कि लेकिन यहाँ पर दिया है कि कौन सजीव के लक्षण हैं। तो सजीव में क्या है, सबसे मुख्य लक्षण क्या है? श्वसन। इसलिए नाइन का ऑप्शन नंबर बी। दस में दिया है छोटी आंत, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी सी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? सीकम, रेक्टम, कोलन, अपेंडिक्स। क्या कहते हैं जी? सीकम कहते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? पीतरस, अग्नाशी रस, आंतरस, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का ऑप्शन नंबर है, इनमें से सभी सभी पाए जाते हैं। 12 में अगर आशय में अधपचे भोजन के लिए किस तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम, चाइल, काइलोमाइकाइम, इनमें से कोई नहीं। तो आपके 12 का ऑप्शन में क्या है? ए, काइम कहते हैं। 13 में निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में अमोनिया, डी में है बी और सी दोनों। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया, यानी कि यहाँ पर दिया है कि अमीनो को अम्ल, यानी कि अमीनो का अम्ल जो है अमोनिया से होता है, यानी अमोनिया का। इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 में श्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है।
क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी, इनमें से क्या आएगा सभी, 14 का ऑप्शन नंबर डी। चायल का अवशोषण होता है इलियम में, जेजुनम में, कोलन में, रेक्टम में। तो चायल का अवशोषण आंसर आपका है इलियम में। 16 है मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है, सीकम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलन। अपेंडिक्स 16 का ऑप्शन नंबर बी। दांत अस्थिक्ष का कारण है मीठी चीज़ का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, इनमें से सभी नहीं। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 18 में डेंडाइट के ऊपर दांतों की सुरक्षा है तो पाए जाने वाले कठोर पर तो क्या कहते हैं, इनेमल, कैनाइन, दंत पलावक, मोलर। तो क्या कहते हैं इसको, इनेमल कहते हैं। इनेमल जो है हमारे शरीर पदार्थ का सबसे ठोस पदार्थ है। 19 में पैरामीशियम भोजन का अंतर्ग्रहण होता है सिलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, कुटपाद द्वारा। पैरामीशियम में आपका होता है कोशिका मुख द्वारा। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषी प्लास्टिक आपका क्या है, क्लोरोफिल है। 21 में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। इन प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में कौन सा उत्पाद के मुख्य रूप में बनता है, तो बनता है ग्लूकोज, बनता है ऑक्सीजन में बनता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, तो यहाँ पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर क्या दिया, ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर ग्लूकोज तो बनता ही है लेकिन ऑक्सीजन बनता है। 22 में दिया है पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं, स्वपोषण में तो जीवी परजीवी प्राणी संभोजी, यानी क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी। 23 में दिया निम्नलिखित में से किसी प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, जड़, पत्ती, अष्टोमाटा, हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं जड़, पत्ती, अष्टोमाटा, हरित लवक। तो आपको क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर डी, हरित लवक। 24 में निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है, भित्तीय कोशिका, जायमोजी कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। 24 का आंसर भित्तीय कोशिका। 25 में मनुष्य के गुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 1, 2, 3, 4, तो क्या पाई जाती है, 3। 26 में से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, कुटपाद द्वारा, क्या होता है, कुटपाद द्वारा। 26 का ऑप्शन नंबर ए। पेप्टोन पेप्टाइड को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है, इम्यूनो अम्ल, वसा अम्ल, पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो आपको 27 का ऑप्शन नंबर ए, इम्यूनो अम्ल में। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका के सभी सजीव गुण कहाँ मिलते हैं जी, जीव द्रव्य में होते हैं। 29 में निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी रसनली से जुड़ी होती है, निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, कोई नहीं। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए, निगल द्वार। 30 में अमीबा का मुख्य भोजन क्या है, शैवाल के टुकड़े, डायट एंड एकोसीय जीव, सी में बैक्टीरिया, डी में इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा का मुख्य भोजन आपको क्या है, इनमें से कोई नहीं। ग्रहणी भाग है मुखगुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत का। यहाँ पर दिया है 32 में वह विधि जिसमें जीव पुष्पों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि और जन्म के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण, परपोषण, पोषण, और यहाँ पर क्या दिया है, स्वपोषण। तो जिस विधि द्वारा तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि जन्म के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं जी, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ये रहा आपका क्लास टेंथ का ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का VVI। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको बायोलॉजी सेकंड चैप्टर। थैंक्स बाय वॉचिंग वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।